हेलो। तो आज हम रूरल डेवलपर कंसोल के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले रूरल थ्रेड से हम बना रहे हैं। तो रूरल डेवलपर कंसोल हमें सर्च करना है, ये फर्स्ट वाले यूआरएल पे जाना है। देन यहाँ से अपना लॉगिन करना है आपको। सबसे पहले रूरल थ्रेड से लिए यहाँ से आप आपका सिलेक्ट कर लीजिए, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, एग्री एंड कंटिन्यू। एग्री करने के बाद यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन दे दें क्रिएट। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। देन इसके बाद सिलेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। ये हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया हमारे। अब इसके बाद हम इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, तो हम ये इनेबल कर रहे हैं एपीआई सर्विसेज। अब यहाँ पे हमें फ़ोटोज़ लाइब्रेरी के लिए चाहिए, रूरल फ़ोटोज़ लाइब्रेरी, तो हम ये सर्च करेंगे फ़ोटोज़ लाइब्रेरी एपीआई। देन इसे हम इनेबल कर लेंगे। ये हमारा एपीआई इनेबल हो गया है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। अब उसके बाद हमें ओAuth कंस्ट्रेंट स्क्रीन पे जाना है। ये अब हम क्रेडेंशियल हमारे ऐड करेंगे यहाँ पे। इसको एक्सटर्नल देन क्रिएट। हम यहाँ पे ऐप का नाम देना है। हम ऐप का नाम अभी टेस्टिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमें हमारा मेल देना है एक। देन उसके बाद हमें हमारा वापस से मेल देना है। कॉपी कर लिया है, देन पेस्ट और सेव एंड कंटिन्यू। सेव के बाद हमें आगे वापस से सेव एंड कंटिन्यू करना है। देन अगेन सेव एंड कंटिन्यू एंड बैक टू डैशबोर्ड। ये होने के बाद हम क्रेडेंशियल्स पर जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हमें क्रिएट क्रेडेंशियल करना है, और क्लाइंट आईडी एप्ली, यहाँ पे हमें वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो ये रीडायरेक्ट यूआरएल है यहाँ पे हमें ऐड करनी होगी। ये एज इट इज़ हमें यही यूआरएल ऐड करनी है, http लोकल होस्ट कॉलन 8080/। ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन इसके बाद क्रिएट। अभी हमारे क्रेडेंशियल क्रिएट हो रहे हैं और ये जो फाइल है हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे जेसन डाउनलोड हो गया एज ए फाइल। इसके बाद हमें एक EHC और डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एज इट इज़ कॉपी की और इसके थ्रू हमें ये लिंक, इस लिंक से हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड ये इससे हम इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं बिकॉज जो भी हमने जेसन फाइल डाउनलोड की है उसके थ्रू हम एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन गेट कर रही हैं। डाउनलोड एनीवे। और ये हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है, इससे फाइल। ये हमारा ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। हम जाते हैं इसे डाउनलोड्स में और ये हमारा एप्लीकेशन है।
ACH6 को हम इंस्टॉल कर लेंगे हमारे हमारे सिस्टम में। मोर इन्फो में जाके रन एनीवे, देन यस, उसके बाद हमें नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये हमारा फाइल इंस्टॉल हो रहा है। और ये देन फिनिश। ये करने के बाद अब हमारे डेस्कटॉप पर आप देखेंगे तो ये टोटल फोटोस आ जा रहा। इसे ओपन कीजिए। यस, यहाँ पे अपलोड फाइल्स आ रहा है। ये अपलोड फाइल्स में हमें वो फाइल अपलोड करनी जो हमने रूरल क्रेडेंशियल से डाउनलोड की थी, जो जेसन फाइल थी हमारी वो डाउनलोड्स में होगी, ये वाली फाइल। इसको ओपन किया रहे, देन प्रोसेस फाइल, यहाँ से फाइल प्रोसेस हो रहा और आपको एक न्यू फाइल बना के दे रहा जिसमें आपका एक्सेस टोकन है रिफ्रेश टोकन हो रहा। इसके लिए हमें चेक करना होता है यहाँ से, ये अपने सिलेक्ट कर लीजिए, ये वेरिफिकेशन कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा पासवर्ड डाल देंगे, देन यहाँ से अलाउ, और ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर वेरीफिकेशन हमें ये फाइल क्रिएट करके दे रहा जिसे हम सेव कर लेंगे। इसे अब ये हमारा फाइल इसने क्रिएट कर दिया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, रिडायरेक्ट यूआरएल, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन हमें मिला है। अब ये सब की एंट्री हमें हमारे स्कूल साइट से करनी होगी। ये भी हम डेमो में आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये वाला पेज मास्टर सेटअप में, मीडिया में, रूरल क्रेड्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद रूरल क्रेड्स में आपको इन सबका एंटर करना है वन बाय वन। ये जो हमारी फाइल थी रूरल क्रेड्स, इसमें से हमने क्लाइंट आईडी सबसे पहले कॉपी कर रही है। क्लाइंट आईडी कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट, देन क्लाइंट सीक्रेट, फिर रीडायरेक्ट यूआरएल हम कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद ये हमारा एक्सेस टोकन है, इसको भी इंसर्ट कर देंगे। और ये रिफ्रेश टोकन है हमारा, इस रिफ्रेश टोकन को भी कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। देन लास्ट में हमें ब्रांच आईडी डालना है। जैसे अभी हम डेमो स्कूल में, तो डेमो की जिस भी ब्रांच के लिए हम क्रेडिट से डाल रहे हैं, लाइक सपोज की वन है, तो हम ये वन डाल देंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद ये हमारे सारे क्रेडिट्स इंसर्ट हो जाएंगे, और इसके बाद आप यूज़ कर पाएंगे गूगल फोटोज़, वीडियोज़ अपलोड करना, देखना करना एंड ऑल फॉर। तो बस इसमें इतना ही था कि कैसे क्या आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने में क्रेडेंशियल गेट करना है, EHC पर अपलोड करना है, वहाँ से हमें एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन गेट करना है फाइल के थ्रू, और उसमें से ये सारी फील्ड्स यहाँ पर भरनी है, देन सबमिट करना है। सो थैंक यू।